गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित जैन और मेरी यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम में संख्याओं के प्रकार, मतलब कितने टाइप की संख्या होती है नंबर सिस्टम में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोर्ड पे नंबर सिस्टम का ट्री बनाया हुआ है, उसमें मैंने सबसे पहले लिया है सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है बच्चों, सम्मिश्र संख्याएं इसके दो टाइप होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। जो सम्मिश्र संख्या होती है वो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनती है। अब बात ये आती है कि सर वास्तविक संख्या और काल्पनिक क्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है जो नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पर शो की जा सकती है वो तो कहलाती है वास्तविक संख्याएं, और जो नंबर लाइन पर शो नहीं की जा सकती, मतलब प्रदर्शित नहीं की जा सकती, वो कहलाती है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, और दोनों मिलकर आपकी कौन सी संख्या बनाती है, सम्मिश्र संख्या बनाती है, मिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपके नंबर लाइन है, यहाँ बीच में जीरो है, माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी संख्या आपकी वास्तविक कहलाती है, चाहे वो पॉइंट की है, चाहे वो फ्रैक्शन है, चाहे वो पूर्णांक है, कुछ भी है, वो सारी संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, जैसा आप सबने पढ़ा होगा कि आयोटा, आई मतलब आयोटा, आयोटा एक काल्पनिक संख्या है जिसका मान होता है अंडर रूट में माइनस वन। कितना होता है बच्चों, अंडर रूट में माइनस वन। ठीक है, अब ये दोनों संख्या, अब इसके अंदर देखो आपको एक बटा दो, एक, सब तरीके की संख्या आ जाएंगी आपकी, तीन, तीन बटा सॉरी तेरह बटे चार, ऐसा डेटेस। ठीक है, इधर माइनस की आएंगे आपकी, माइनस एक, माइनस दो, माइनस पांच बटे दो, तो डेटेस। ठीक है, ये जब सारी संख्याएं, ये तो आपकी वास्तविक हो गई, और आपकी काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, आयोटा। आयोटा का मान क्या था, अंडर रूट में माइनस वन। अब ये दोनों मिलकर आपकी सम्मिश्र संख्या बनाती है, दोनों मिलकर, जैसे मैं बोलू पांच प्लस थ्री आयोटा। ठीक है, तो ये पूरी मिलकर क्या बना रही है, आपकी सम्मिश्र संख्या, क्योंकि ये तो आपकी वास्तविक हुई और आयतन इसके साधारण वो आपकी काल्पनिक संख्या हुई। ओके बच्चों, ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या दो टाइप की होती है, परिमेय और अपरिमेय। यही आपने को मेन समझना है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू का मान जीरो नहीं हो, क्यू का मान क्या नहीं हो, जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता और Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा नहीं, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है वो परिमेय होती है, नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय होती है। ठीक है, आगे देखें, देखो परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी आती है, आपकी पूर्णांक संख्याएं और शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो पूर्णांक होती है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा, जैसे पांच, सात, छह, माइनस तीन, माइनस दो, जीरो, एक, दो, तीन, ये आपकी पूरे पूरे अंक है। अगर मैं आपको कहूँ डेढ़, तो डेढ़ आपका पूरा पूरा नहीं, एक पॉइंट पांच, एक पॉइंट पांच पूरा नहीं है, क्योंकि एक प्लस आधा, और आधा पूरा नहीं है, इसलिए हम लेते हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्या होता है पूरी पूरी। तो पूर्णांक संख्या आपकी कौन कौन सी होती है, तो मैं बता देता हूँ, पूर्णांक संख्या होती है आपकी जीरो, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, ये आपकी पूर्णांक संख्या है। अब देखिए बच्चों पूर्णांक संख्याओं को मैंने तीन भागों में बांटा है, ऋणात्मक, जीरो, धनात्मक। ऋणात्मक आप सब जानते हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, ये आपकी धनात्मक संख्या होती है। और बात करें धनात्मक, तो धनात्मक होती है एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये आ जाएंगे आपकी। अब बात आती है जीरो, तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, मतलब तो उस पर जीरो पे कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। अब बात करें जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको हम क्या भी बोलते हैं बच्चों, प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत, नेचुरल नंबर। आपने पढ़ा हुआ प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, तो आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो आप याद रखेंगे कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है उन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या है। अब आगे सुनिए, अब जो जीरो है, अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए,
अगर बाकी संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएंगे बच्चों? पूर्ण संख्या। अब आते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे मैंने आपसे बोला एक में चार का भाग दो, तो आपने बोला सर 0.25 आएगा, भाग शांत हो गया। जैसे मैं आपसे बोलूं एक में दो का भाग दें, अब आप एक में दो का भाग दोगे तो भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाओगे तो जीरो बढ़ेगी, दो पंजे दस, तो तब कितना है बच्चों? 0.5। और यहाँ शेषफल कितना है? जीरो। मतलब भाग शांत हो गया, शेषफल जीरो आएगा तो भाग शांत हो जाएगा, और भाग शांत हो गया उत्तर पॉइंट में आया 0.5। तो ये आपकी जो 0.5 है, मतलब एक बटा दो बटा 0.5, ये आपकी कैसी दशमलव है? शांत दशमलव। शांत हो गया बात क्योंकि शेषफल कितना आ गया? जीरो। अब बात आई अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे एक बटा तीन जिसको आता 0.33333, जिसको हम लिखते हैं 0.3 पर पार, राइट। जैसे मैं आपसे कहूं बच्चों एक में तीन का भाग दो, तो एक में तीन का भाग नहीं जाता तो आप कहोगे सर पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ गई, तीन तिया नौ, फिर एक बच गया दस हो गया, तीन तिया नौ, फिर एक बच गया दस हो गया, तीन तिया नौ, तो ये तीन 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 आता ही रहेगा, कभी भी भाग शांत नहीं होगा। तो ये आपकी कहलाती है अशांत। कैसी? अशांत दशमलव। और अशांत के भी दो टाइप होते हैं, तो आवर्ती और एक होते हैं अनावर्ती। तो आवर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब है जो रिपीट होती है। अशांत तो है मतलब भाग तो शांत नहीं हो रहा, लेकिन आवर्ती मतलब होता है रिपीट होना, कब वो रिपीट हो रही है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन तीन 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 आता जा रहा है, भाग तो शांत नहीं हुआ लेकिन सेम संख्या आ रही है, लगातार सेम आ रही है, तो ये कहलाएगी अशांत आवर्ती दशमलव। तो पॉइंट तीन पर क्या आएगा? बार। मतलब कहने का मतलब है पॉइंट में अगर बार वाली संख्या आती है तो वो सारी संख्या आपकी क्या कहलाती है? अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अंदर अपने ये भी आएंगे 0.37 और 7 के ऊपर क्या लगेगा? बार। ये सारी संख्या आपकी आती है अशांत आवर्ती दशमलव में। अब ये सारी संख्या आपने जितनी भी पढ़ी है इसमें ये सारी संख्या क्या होती है आपकी बच्चों? परिमेय होती है। अब बात आती है अपरिमेय कि अपरिमेय में संख्या कौन सी होती है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं इसमें कि सर ये परिमेय है परिमेय में हमें अंतर नहीं आता क्लियर, तो बोर्ड पे ध्यान दें थोड़ा सा। देखिए बच्चों अशांत आवर्ती दशमलव, देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में आपको मैंने तीन कैटेगरी बताई है, अशांत अनावर्ती दशमलव, कर्णी और स्पेशल सिंबल। पहले मैं डिस्कस करता हूं अशांत अनावर्ती दशमलव, उसमें हमने पढ़ा था आवर्ती दशमलव आवर्ती, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अनावर्ती। अब आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या है? आवर्ती का मतलब तो रिपीट होना, और अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होना। ठीक है, रिपीट नहीं होना। और कैसी होनी चाहिए? अशांत होनी चाहिए, मतलब उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, मतलब लगातार भाग चलता जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला 0.10001000001000000 और ये चलता ही जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए ये आपका जो दशमलव कहलाएगा, अब ये चलता जा रहा है इसलिए तो ये क्या है बच्चों? अशांत। पहली बार फिर आप देखिए यहाँ 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, यहाँ 1000 आ रहा है, यहाँ 10000 आ रहा है, क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए बोलते हैं इसको अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती दशमलव, ये जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है ये आपकी कौन सी कहलाती है? अपरिमेय। कौन सी? अपरिमेय। अब बात आती है करणी की, करणी करणी जैसे जिनका हम पे एग्जैक्ट मान नहीं निकलता, जैसे रूट दो, रूट तीन, या फिर अपन कह सकते हैं तीन का घनमूल 1/3, या फिर आप बोल सकते हो चार का घनमूल। क्या चार का घनमूल आप प्रॉपर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। जब आप इनका मान निकालोगे, जैसे रूट दो का मान निकालोगे, तो आपका आएगा 1.4142 और टे 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 टे, और ये रिपीट भी नहीं होता है कभी। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गई आपकी? अशांत अनावर्ती दशमलव में आ गई। तो इसीलिए ये जो रूट दो है, रूट दो क्या है? करनी है, ये आपकी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी? अपरिमेय। रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, रूट सात, रूट छह, रूट आठ, रूट दस, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो घनमूल 3 का घनमूल, 2 का घनमूल, 5 का घनमूल, 7 का घनमूल,
11 का घनमूल, ये सारी चीजें आपकी करनी कहलाती है जिनके एग्जैक्ट मान लेने निकलते हैं। अब बात आती है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल में जैसे आपका आता है पाई, ई एप्सिलॉन, ठीक है। अब पाई की बात करें, अगर मैं पाई की अगर मैं बात करूं अगर मैं पाई की बात करूं तो आप बच्चे कहोगे सर पाई का मान हमने 22/7 पढ़ा है। अब देखो सर ये पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा रही है और क्यू का मान 0 भी नहीं है, तो ये तो कैसी संख्या हुई सर? ये तो हुई आपकी परिमेय हुई, लेकिन आप अपरिमेय बता रहे हो। इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि जो आपने अब तक पढ़ा कि पाई का मान 22/7 होता है, तो देखो आप जब इस पर रिसर्च करोगे तो आपको हम पता लगेगा पाई का मान लगभग 22/7 होता है। मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको। जैसे आपने देखा होगा मॉलों के अंदर आप चश्मा खरीदने गए, ठीक है, आप वहां पर रेट लिखते 99 99 99 में चश्मा ले जाइए, टोपी ले जाइए, जींस ले जाइए, जो भी ले जाइए, कुछ भी 99 के अंदर, ठीक है, पर्स ले जाइए। तो आप चश्मा खरीद के लाए 99 रुपीज में, ठीक है, लेकिन आपने लिया है, आपसे किसी ने पूछा कि भैया कितने का लाया, तो उसने आप उस अपने नॉर्मल भाषा में क्या आएगा, 100 रुपए का लाया, 100 रुपए का लाया, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू 100 नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी आपकी? 99, एक कम थी। तो ऐसा ही होता है, तो कि पाई का मान लगभग जब देखते हैं तो लगभग 22/7 के लगभग आता है, ना कि 22/7। ओके बच्चा, ठीक है, तो ये लगभग मान होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे सम विषम भाज्य अभाज्य, धीरे धीरे सब संख्याओं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको संख्याओं के बारे में कि थोड़ा पता होना चाहिए कि किसका क्या नाम है और नाम कैसे आया, ठीक है बच्चों। अब आगे अपन देखते हैं इसके अंदर। देखिए बच्चों, हमें पता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, जिनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत, नेचुरल नंबर। धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए और पूर्णांक का मतलब पूरा पूर्णांक होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलते हैं, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 सारी कैसी संख्या है? पॉजिटिव है और कैसी है? पूर्ण है, ठीक है। इनको मैंने क्या नाम बोला? प्राकृत संख्या है। देखिए इन्हीं में से आपकी सम संख्याएं आती हैं और आपकी विषम संख्याएं आती हैं। देखिए आप सभी ने बचपन से पढ़ता है कि सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से पूरी पूरी बार विभाजित होती हैं। तो देखिए आपकी कौन कौन सी आएंगी? 2 4 6 8 10 12। और विषम संख्याएं पूछे तो आप बोलोगे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये आपकी विषम संख्या होती है। ओके बच्चों, अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर जीरो सम होती है, हमने ऐसा पढ़ा था, हमें टीचर ने पढ़ाया था। मैं आपको बता देता हूं, जो रेलवे है या आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप पीजीटी टीजीटी इनका एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो इन एग्जामों में जीरो को ना तो सम माना है और ना ही विषम, मतलब जीरो को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा, मतलब अपन ने जो पढ़ रहे हैं वो सही है। किसके हिसाब से पढ़ रहे अपन? रेलवे एसएससी और पीजी टीजीटी के एग्जाम, ठीक है, इनके में जीरो को ना तो सम माना है और ना विषम माना है। लेकिन अगर कोई बच्चा आईआईटी के एग्जाम दे रहा है या फिर कैट का एग्जाम दे रहा है तो उसको जीरो को सम मानना पड़ेगा, ठीक है, जीरो को क्या मानना पड़ेगा? सम मानना पड़ेगा। और जीरो पर जब सम मानेंगे तो वहां पर एक बात भी आप याद रखेंगे कि जीरो सम है तो वहां पर -2 -4 -6 -8 ये भी क्या होगी? सम होंगी। ये भी क्या होंगी बच्चों? सम संख्याएं होंगी। ओके, अगर जीरो को सम मानते हैं, अगर जीरो को सम नहीं मानते तो कुछ लफड़ाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम आपके सामने है, सोल्यूशन भी आपके सामने है, ठीक है, ठीक है। अब इसका अब ऐसा आप बताइए कि एग्जांपल की सब रेलवे ने ऐसा क्यों नहीं माना, एसएससी ने क्यों नहीं माना? एसएससी में एक बार सवाल आया था, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप बोलोगे
प्रथम पाद 2, 4, 6, 8, 10 यही होती है। अगर इनका औसत आप निकालोगे तो औसत आएगा इनका 6। निकाल लेना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर जब भी लगातार संख्या आती है तो उनका औसत होती है बीचों बीच वाली, तो इनका औसत 6 आएगा। तो एसएससी ने उसका आंसर 6 मांगा था। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर होगा कि भाई एसएससी हमारी सम संख्याएं कहां से स्टार्ट करती है, 2 से स्टार्ट करती है। अगर एसएससी के अंदर एग्जाम या रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आप 2 लिख के आओगे। एनसीईआरटी की किताबें भी यही बात बोलती है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 आता है। लेकिन अगर बच्चों जो बच्चे 0 को सम मानते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा सवाल है कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो वो क्या देंगे आंसर? 0। गलत है, क्योंकि 0 अगर सम है तो -2 भी सम है, -4 भी सम है। तो 0 से छोटी तो -2 होती है, और -2 से छोटी -4 होती है, तो फिर -4 होनी चाहिए, फिर -4 से छोटी -6 होती है। तो इसका मतलब तो है कि सबसे छोटी अगर सम संख्या बोली जाए फिर तो -∞ होगी। कब? जब 0 को हम सम मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप क्लियर होगा कि एसएससी अगर रेलवे इनका एग्जाम देते हो तो 0 को ना तो सम और ना ही विषम मानना पड़ेगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके, ठीक है। आपने अभी जो प्राकृत संख्या पढ़ी, ठीक है, में हम पढ़ते हैं कुछ संख्या अवाच्य होती है और कुछ संख्या आपकी वाच्य होती है, और कुछ संख्या ऐसी होती है ना तो भाज्य होती है ना ही अवाच्य, ना तो भाज्य और ना ही अवाच्य। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस चीज को पॉइंट को क्लियर करना अच्छे तरीके से, क्योंकि काफी अवाच्य वाच्य संख्याओं से रिलेटेड सवाल आते हैं। अवाच्य संख्या कौन सी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं, जिन संख्याओं के जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। ओके, जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं जिन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्या कहलाती है आपकी भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसको, हम देखेंगे, अभी रुक जाओ, इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, पहले हम इनको पढ़ते हैं। अवाच्य संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल और केवल मैंने 2 बार क्यों लगाया है, सुनो, केवल और केवल का मतलब है ना तो 2 से ज्यादा होने चाहिए और ना 2 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो फिक्स 2 होने चाहिए। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, अवाच्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे 2 बोलू तो 2 के टुकड़े करो, तो आप बोलोगे 2 एकम 2 सर, कितने गुणनखंड हुए बच्चों, 2 हुए। ठीक है, मैंने आपको अलग से गुणनखंड पढ़ाया, पहले मैंने आपको गुणनखंड पढ़ाया संख्याओं से पहले, तो आप गुणनखंड को पढ़ के आप इसको देखें। ठीक है बच्चों, 3 का 3 एकम 3, अगर मैं कहूं 5 तो 5 एकम 5, 7 का बोलूं 7 एकम 7, केवल एक गुणनखंड होंगे तो कितने गुणनखंड हो रहे, 2 सबके दिख रहे, तो ये संख्या क्या कहलाती है आपकी, अवाच्य। तो मैं आपको बताऊंगा अवाच्य कौन कौन सी होती है, जैसे आपकी पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 42, 47 आपका 53, 59, 67, 71, 73, 79, 80, 87, 89, 90, 97। मैंने ये 1 से लेकर 100 तक लिख दी है, आपको बता दूं 1 से लेकर 100 तक अवाच्य संख्या कितनी होती है, तो गिन लीजिए आप, 5, 5 और 5 10, 10
और 5 15, 15 2 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23 और 2 25। तो कितनी अभाज्य संख्या होती है बच्चों? 25 होती है। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है? दो होती है। आपसे पूछ सकता है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी? 97। अगर आपसे पूछे तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप बोलोगे 101। कौन सी होगी? 101 होगी। ठीक है, और भी मैं इसमें बातें कर सकते हैं अपन अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। एक सबसे मेन बात है वो याद रखना, अगर आपसे पूछे वह संख्या जो अभाज्य भी है तथा सम भी है, वह अभाज्य संख्या जो सम है, तो आप देखो सारी अभाज्य संख्या को एक बार देखिए ध्यान से। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो केवल दो को छोड़ दो, दो क्या है आपकी? सम अभाज्य संख्या है। किसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। और वह सारी अभाज्य संख्या कैसी है आपकी? विषम है। कैसी है? विषम। आप देख सकते हैं विषम है सारी अभाज्य संख्या, केवल किसको छोड़ के? दो को। तो दो एकमात्र अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, नहीं बाकी सारी अभाज्य संख्या विषम होती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं भाज्य संख्या की, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो आपके हुए 4, 6, 8, 9, फिर आपका 10, 12, 14, 15, 16। अब इन सब के आप जब गुणनखंड करोगे, जैसे 4 के गुणनखंड करोगे तो 4 के गुणनखंड होते हैं 4 एकम 4, राइट, और 2 दूनी 4। तो बताओ 4 के कौन कौन से गुणनखंड हुए? तो आप बोलोगे सर 1, 2 और 4। तो कितने गुणनखंड हुए बच्चों? 3 हुए। कितने हुए? 3। ठीक है, तो 3 गुणनखंड हुए, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी आपकी? भाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी? भाज्य। अब आपसे पूछ ले कभी 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या, तो आप बोलोगे 64। अब इसका मैं जवाब दूंगा, एक सेकंड वेट करें। अब बात आती है ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। अब आपने देखा होगा मैंने एक को छोड़ दिया, ना तो मैंने भाज्य में बताया ना ही मैंने अभाज्य में बताया। क्यों? क्योंकि एक का केवल एक ही टुकड़ा होता है। एक का केवल कितना टुकड़ा होता है बच्चों? एक ही टुकड़ा होता है। एक का टुकड़ा पूछो तो एक ही होगा। अब अगर वो अभाज्य संख्या होती एक, तो उसके लिए कितने गुणनखंड चाहिए? 2 गुणनखंड चाहिए। और भाज्य के लिए कितने चाहिए? 2 से अधिक चाहिए, मतलब 2 से अधिक मतलब 3 चाहिए। ठीक है, अब एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है। अब ना तो वो अभाज्य की कैटेगरी में आ सकता और ना वो भाज्य की कैटेगरी में आ सकता, क्योंकि अभाज्य के लिए 2 गुणनखंड चाहिए कम से कम, और अधिक से अधिक भी 2 ही चाहिए, और इसके लिए कितने चाहिए? 2 से अधिक चाहिए। तो ना तो ये 2 है इसके गुणनखंड, ना इसके 2 से अधिक है, इसलिए ये एक जो होता है ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो ये एकमात्र संख्या है आपकी। कौन सी? एक। एक ना तो भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, भाज्य अभाज्य आपका सम विषम जो भी था सारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने बताई थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है? अगर पूर्ण संख्या होती है जो प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या है बच्चों? प्राकृत संख्या है। ये आपको मैंने अभी बताया कहां से स्टार्ट होती है? 1 से 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसमें 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। कौन सी संख्या कहलाएगा बच्चों? पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपकी कैसे संख्या कहलाती है बच्चों? पूर्ण संख्या कहलाती है। संख्या जैसा मैंने आपको बताया पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरा पूरा आधा अधूरा नहीं। सबसे बीच में आएगा आप 0। जैसे जैसे अपन लेफ्ट साइड आते जाएंगे तो ये माइनस इंफिनिट तक, और राइट जाएंगे सॉरी ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये सब किस में आएंगे आपके? नेगेटिव में। माइनस 6, 100। प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, ये आपका इधर माइनस में और इधर आपका प्लस में। जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे
तो इसको बोलते हैं आप आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं, बढ़ता क्रम। और जब आप पॉजिटिव टू फ्लो उल्टा आएंगे, मतलब राइट से खाएंगे लेफ्ट आएंगे, तो आपको बोलेंगे इसको अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटता क्रम। ओके बच्चों, लेफ्ट से राइट गए तो आरोही बढ़ता हुआ क्रम, और अब राइट तो है लेफ्ट आए तो आपका अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि माइनस दो बढ़ा या माइनस तीन बढ़ा, तो आप बोलोगे कि माइनस दो बढ़ा, माइनस तीन नहीं। मैंने आपको बताया छोटी सी बात, मैंने आपको जब छोटी सी बड़ी छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करना निकालना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस दो बड़ा या माइनस तीन बड़ा। उसका रीजन बताया था कि जैसे देखो माइनस दो, देखो दो बड़ा या तीन बड़ा, आप सब जानते हैं तीन बड़ा है, क्लियर। लेकिन जैसे इनके आगे माइनस का चिन्ह लग जाए तो रामायण उल्टी उठ जाएगी, मतलब कौन बड़ा हुआ, माइनस दो बड़ा हुआ। इसका रीजन जैसे आप दो लाख कर्जे में और कोई आपका दोस्त है तीन लाख कर्जे में, तो आप दोनों में बड़ा कौन हुआ, हम किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, जो कम कर्जे में है, जो किस में है कम कर्जे में, सही है, उसको हम क्या मानेंगे, बड़ा मानते हैं, राइट। ठीक है बच्चों, याद रखना ये छोटी सी बात है, ये आपकी पूर्णांक संख्या। अब देखिए हम इसमें पढ़ते हैं शांत दशम, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होती है, जैसे आपने एक में दो का भाग दिया, तो आप एक में दो का भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, दस हो जाएगा, दो पंजे दस, भाग शांत हो गया तो ये कहलाएंगे शांत दशमलव, ये पॉइंट पांच आपकी शांत दशमलव। अगर एक में आपने चार का भाग दिया, किसका भाग दिया, चार का, अब एक में जब तुम चार का भाग दो तो पॉइंट लगेगा, दस हो जाएगा, तो चार दूनी आठ, कितने बच गए बच्चों, दो बच गए थे, यहां से बीस हो गए, चार पंजे बीस, तो कितना आएगा पॉइंट पच्चीस। अगर आपने एक में पांच का भाग दिया, सही है, एक में पांच का भाग दिया, अब एक में जब तुम पांच का भाग दोगे भाग नहीं जाएगा, भाग न जाने पर क्या लगेगा, पॉइंट, दस हो गया, पांच दूनी दस, राइट, पूरा पूरा भाग चला गया, भाग शांत हो गया, इसलिए कहला गया शांत दशमलव। ये आपके शांत दशमलव के उदाहरण। एक में आपने भाग दिया मान लीजिए आठ का, अब एक में आठ का भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे, दस हो गया, ये देखो पॉइंट लगाया दस हो गया, आठ एक हम आठ, कितने बचे, दो, बीस हो गए, आठ दूनी सोलह, चार बच गए चालीस, आठ पंजे चालीस, भाग शांत हो गया, पॉइंट एक सौ पच्चीस, वन टू फाइव। ठीक है, तो ये आपकी कैसे दशमलव है, ये सब आपकी शांत दशमलव है। जैसे आपको मैं बोलूं 0.37 ये भी शांत दशमलव है, 0.453 ये भी शांत दशमलव है, 0.4 0.3 ये आपके सब शांत दशमलव में आते हैं। ठीक है बच्चों, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत होनी चाहिए और आवर्ती का मतलब रिपीट होनी चाहिए, आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना। ठीक है, हम देखते हैं एग्जांपल अशांत आवर्ती के, जैसे एक में अपने को तीन का भाग देना है, अब आप सभी जानते हैं एक में तीन का भाग देना पहले पॉइंट लगेगा, तो दस हो जाएगा, तो तीन दिया नौ, फिर कितना बच गया एक बच गया, फिर दस हो गए तीन तिया नौ, फिर एक बच गया दस हो गए तीन तिया नौ, फिर एक बच गया दस हो गए तीन तिया नौ, तो आपको पता है तीन 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 आएगा। हम क्या करेंगे इससे छुटका, अब ऐसे तीन तीन कब तक लिखें, तो हमने क्या लिखा इस पे पॉइंट तीन पर क्या लगा दिया, बार, क्या लगा देते हैं बच्चों बार, अपनी टेंशन खत्म। अब तीन तीन को मैं कहां तक लिखूं, तो इसकी टेंशन खत्म करने के लिए पॉइंट तीन पर एक नए चिन्ह बना दिया, फिर बार लगा दिया। इस बार का मतलब होता है कि संख्या बार बार आ रही है, इसका मतलब यह है कि क्या भाग शांत हुआ, पहले तो ये बताओ भाग शांत हुआ, नहीं तीन 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 चलता ही रहेगा, पता नहीं कब तक जाएगा, तो अशांत हुई, भाग शांत नहीं हुआ इसलिए ये अशांत हुई, पहली चीज। दूसरा आवर्ती का मतलब क्या था, आवर्ती का मतलब रिपीटेशन, अपनी सिंपल भाषा रिपीटेशन, रिपीट हो रही संख्या,
तीन तीन तीन, देखो बार बार तीन तीन ही आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा है, ये तीन आ रहा है, फिर चार आ रहा है, सात आ गया, ऐसा तो नहीं है, तीन 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 आ रहा है, मतलब रिपीट हो रही है संख्या, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसे उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। ओके, अगर आपको दो में तीन का भाग दोगे तो आपका आएगा पॉइंट छह 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 छह, तो ये चलता ही जाएगा भाग, और चलता ही जाएगा, तो ये अशांत हुआ और बार बार रिपीट हो रही है संख्या, इसलिए कराएंगे अशांत आवर्ती, ठीक है, और दशमलव तो लग ही रहा है तो अशांत आवर्ती दशमलव। ओके बच्चों, ठीक है, अब इसके अलावा और भी एग्जांपल आते हैं, जैसे अगर आपने एक में छह का भाग दिया, सही है, तो यहां लगेगा पॉइंट, राइट, यहां हो जाएगा दस, छह कम छह, पक्का, कितना बच गया बच्चों, चार, चालीस हो गए, छह चंग छत्तीस, कितना बच गया, चार, चालीस हो गए, छह चंग छत्तीस, बच गए चार, चालीस, छह चंग छत्तीस, बच गए चार, चालीस, छह चंग छत्तीस, ये आएगा। अब इसको लिखोगे कैसे, पॉइंट वन, वन रिपीट तो नहीं हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है यहां पर, छह, तो हम रबार किस पर लगाएंगे, छह पर, पॉइंट वन सिक्स, ये भी आपका किसका उदाहरण है, अशांत है, भाग शांत नहीं हो रहा, छह 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 बार बार आ रहा है, आवर्ती, क्योंकि छह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए कहलाएगी अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो ये भी आपकी अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, सम विषम भाज्य अभाज्य प्राकृत पूर्ण पूर्णांक और आपकी अशांत आवर्ती दशमलव और एक आपकी शांत दशमलव, ये जितनी भी हैं संख्याएं आपने पढ़ी हैं, ये सारी संख्याएं आपकी परिमेय होती हैं, क्योंकि हम इनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, किसके रूप में, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आगे हम परिमेय अपरिमेय और आपकी वास्तविक काल्पनिक और सम्मिश्र संख्याएं, इनके बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपका डिस्कस हो गया पूरा, जो भी था आपको एक एक करके क्लियर कर दिया है, और बाकी आपका सेकंड पार्ट में करते हैं हम, ठीक है बच्चों।